हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश में स्वस्थ होंगे, अच्छे से सब लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जो है ना, हमारे जो हैं 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। 25 25 25 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो आज का जो लेक्चर है ना, वो है लेक्चर नंबर 4, क्लास नंबर 4, जो कि आपकी रहेगी यूपी टीएसटी मैथमेटिक्स 2016 का जो पेपर का सोल्यूशन हम कर रहे थे विद शॉर्टकट ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आपको ना स्क्रीन के ऊपर चल के वो सारे सारे क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे आज, जो है ना 100 तक, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना हम 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, मिशन डिटेल प्लस भी, यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। चलिए फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर जो है 73, लास्ट लेक्चर के अंदर ही मैंने पूछा था। तो इसमें क्या है, अब जो 75 जो है हम कर चुके हैं, 25 25 25 जो यूपी टीएसटी मैथ स्पेशल क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, आई बटन में भी आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सिंपल सा था। तो चलिए करके देख लेते हैं हम। ए बी, ए बी यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे इसकी, इसका जो है ना रो, इसका कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, सभी 1 1 है, तो इसके रो की इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1। ऐसे ही आगे का भी 1 माइनस 1, यहाँ पे -1 + 1 और -1 + 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 0 0 0। तो इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 77। वो क्या बोल रहा है, इफ मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 1 है, अगर तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 3 एक्स की पावर 4 बाय 4 अप टू 100 ऑन क्या आएगा, ठीक है। अगर आपको ये सारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ हमारी हेल्प हो रही है, और कंप्लीट कोर्स के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि मिशन डिटेल प्लस वी एप्लीकेशन, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, जिससे मोटिवेशन मिलता है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को जो है ना, हम सोल्व करने से पहले हम थोड़ी सी चीज़ें इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर बाय 2 है, 2x क्यूब बाय 3 है, इस टाइप से है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 - 1/2 x², ठीक है, 1 - 1/3 x³। यहाँ पे देखिए, 1 - 1/3 2/3 ही हो जाएगा। नेक्स्ट में 1 - 1/4 x⁴ अप टू इन्फाइनाइट टाइम तक है। तो इसको मैं अलग अलग करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा, एक्स क्यूब अलग हो जाएगा, एक्स की पावर 4 अलग हो जाएगा, अप टू 100 ऑन इन्फिनिटी तक चला जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ से एक्स स्क्वायर निकला, यहाँ से एक्स क्यूब निकला, यहाँ से एक्स की पावर 4 निकला, और जो है उसके अलावा, इसके अलावा मेरे पास क्या रह गया, यहाँ पे +-1/2 x² -1/3 x³ -1/4 x⁴ अप टू 100 ऑन। अब यहाँ पे देखो, एक ना आपको फॉर्मूला मैं आप बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। वो हमने किए हुए हैं लॉग के फॉर्मूले, ई की पावर एक्स के फॉर्मूले, साइन के, कोस के, टेन के, कैसे होते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो लॉग 1 + x इस टाइप से है, लॉग 1 - x, दोनों का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, x - x² / 2 x³ / 3 अप टू 100 ऑन। और यहाँ पे क्या होता है, -x - x² / 2 - x³ / 3। अब यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ देखिए ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, बट यहाँ पे किसकी कमी है, x की कमी है। माइनस x अगर आ जाए ना तो मज़ा आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, -x ऐड कर देता हूँ, +x ऐड कर देता हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें, एक्स स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 + x + x³ अप टू 100 ऑन चला जाएगा इन्फिनिटी तक। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होगा। प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -x - x² / 2 - x³ / 3 अप टू 100 ऑन चला जाएगा, और प्लस का x बाहर एक बच जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 1 - x, ठीक है। तो यहाँ पे, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरी क्या बन गई, एक जीपी सीरीज बन गई। जीपी सीरीज का जो इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस इन्फिनिटी ए अपॉन 1 - r। r मेरा कॉमन रेशो है, इसके अंदर कॉमन रेशो निकालो तो क्या आ जाएगा, x, सभी को डिवाइड करो, सेकंड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से, x आ जाएगा। a मेरी फर्स्ट टर्म 1 है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 1 - 1 - x। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। प्लस ये सारा क्या आ गया मेरा, log 1 - x, प्लस में क्या रह गया, x। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एक एलसीएम लेकर के इसको हम सोल्व कर देंगे, और ये वाला तो साथ में है ही, ठीक है। तो हम करते हैं इसको, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये आ जाएगा मेरा x² + x - x² /
वन माइनस एक्स प्लस में लॉग वन माइनस एक्स, इसको मैं सोल्व करता हूँ तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई वन माइनस एक्स प्लस में लॉग वन माइनस एक्स, समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट करेक्ट, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये ना थोड़ा सा आगे पीछे है, कोई बात नहीं, 78 कर लेते हैं फिर हम करते हैं। स्टेटमेंट ए दी हुई है, ऑल साइक्लिक ग्रुप आर एबिलियन ग्रुप। ये देखिए ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से क्वेश्चन लिया गया है, जिसे हम मॉडर्न अलजेब्रा भी बोलते हैं। तो उसके अंदर जो हमारा ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है, उसमें फरमाट विल्सन थ्योरम होगी, ग्रुप रिंग फील्ड हो गया, ये सारा का सारा है, ये आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पे मैं सारा कुछ कराऊंगा अगर किसी ने करना है तो, ठीक है। अदरवाइज खुद से तैयारी कर रहे हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें उसमें डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि जो भी साइक्लिक ग्रुप है ना वो सारे एबिलियन होते हैं, ऑल साइक्लिक ग्रुप आर एबिलियन ग्रुप। और उसके साथ साथ एक और डेफिनेशन भी होती है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक ये कंडीशन तो है ही सही, ठीक है, ये वाली तो है ही सही। और सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इस जनरेटर, ठीक है ना, ये भी जो है ये भी एक स्टेटमेंट है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक और स्टेटमेंट लिख लीजिए, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल, ठीक है। इस टाइप की काफ़ी सारी और स्टेटमेंट्स भी हैं, और इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम करेंगे उसके अंदर, ताकि ना आपको क्लियरिटी आ जाए कि हाँ साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे उसके जनरेटर को हम जो है ना डिफाइन करते हैं, कैसे उसके ऑर्डर चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 79 के अंदर क्या बोला, सिंपल है, लिमिट का क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है दो पे वो डिफाइन नहीं है, और एंड फंक्शन एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूज एज एक्स इज इक्वल टू टू, देन द वैल्यू ऑफ एफ टू, ये कॉन्टिन्यूज है, ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर किया हमने। तो ये फंक्शन अगर कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूज है, तो एक्स लिमिट एक्स टेंस टू टू पे ये डिफाइन करेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स क्यूब माइनस टू एक्स, तो जब मैंने टू पुट किया तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म मेरी बन गई। तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर देंगे, ऊपर आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री अपॉन है थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस टू, ठीक है। अब मैं टू पुट करूंगा तो चार माइनस तीन एक आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा चार तीन बारह माइनस दो दस आ जाएगा, ठीक है। नहीं यहाँ पे गलती हुई है शायद, हाँ यहाँ पे ये गलती हुई है, एक्स स्क्वेयर आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस टू चार माइ, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फोर माइनस टू, तो वन अपॉन टू मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, देखिए क्या है, हिंदी वाले भी साथ साथ देखते रहें। द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन में एक्स है, ठीक है, एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, जीरो है जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है, देन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ये क्या हुआ, कॉन्टिन्यूज होगा, डिसकॉन्टिन्यूज होगा, डिसकॉन्टिन्यूटी एक्स इक्वल टू जीरो होगा, डिसकॉन्टिन्यूटी होगा। डिसकॉन्टिन्यूज में भी क्या है कि फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, या सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, या रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। तो ये लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर मैंने अच्छे से आपको करवाया हुआ है, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो बता देता हूँ। डिसकॉन्टिन्यूटी जब मान लीजिए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स राइट हैंड लिमिट जब मेरी एफ ए के इक्वल नहीं होती, तब मैं कहता हूँ ये डिसकॉन्टिन्यूज है, डिसकॉन्टिन्यूज होगा, ठीक है, ये वाला ये होगा डिसकॉन्टिन्यूज, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा। उसके बाद अगर मेरी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स ये एफ ए के इक्वल नहीं होती, तो ये मेरी होती है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, थर्ड, ठीक है, ये मैंने आपको कराया हुआ अच्छे से, फिर भी मैंने कहा चलो रिमाइंड करा दूं आपको। एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जब लिमिट एक्स टेंस टू लेफ्ट और राइट लिमिट ही इक्वल नहीं होती, तो मेरी फर्स्ट काइंड होती है, ठीक है। और थर्ड जो है, फोर्थ जो है मेरी, वो कौन सी है, अगर मेरी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और या लिमिट मेरी राइट हैंड लिमिट या दोनों
ठीक है, या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, देन मैं क्या करूंगा, सेकंड काइंड है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें इसमें से कौन सा हमारा बेटर है, तो यहां देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी लेते हैं और राइट हैंड लिमिट लेते हैं, वो दोनों जो है वो इक्वल नहीं आ रही है, ये इसमें फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी होगा। देखिए हम चेक करके बताता हूँ मैं आपको कैसे, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मैं लेता हूँ, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, क्योंकि जीरो पे चेक करना है एफ एक्स, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एच एस टेंस टू जीरो जो भी हम ले लेंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, बस एच अपॉन माइनस एच, तो आ गया मेरा माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं राइट हैंड लिमिट चेक करता हूँ, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एच अपॉन एच, तो यहाँ पे आ जाएगी मेरी वन। ये दोनों इक्वल ही नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब ये क्या है, मेरी डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। मैंने आपको सारे के सारे बता दिए, जो भी क्वेश्चन में आए आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं, 80 हो गया पीछे वाले पेज पे, 81 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए पहले आप ट्राई कीजिए, कोट यहां से देख सकते हो, अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। कोट कोसिकेंट इनवर्स 5/3 प्लस टेन इनवर्स 2/3, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको कराया हुआ है कि कैसे कन्वर्ट करती हैं टेन को कोट में, सिकेंट में, कोस में, साइन में, कोसिकेंट को कोस में, साइन में, टेन में, कोट में, कैसे कैसे हम इनवर्स वाला जो है ना कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए पहले आप ट्राई कीजिए, फिर हम करते हैं इसको। तो हम करेंगे क्या, यहाँ देखिए कोसिकेंट इनवर्स है, इसको अगर मैं साइन में बना दूं तो उसके बाद जो, और उसके बाद टेन में बना दूं, दोनों टेन में बन जाएंगे, टेन में बनाने के बाद फिर उसको कोट में बना दूंगा, कोट से कट जाएगा। पहले तो माइंड में इमेज क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद जो है आप कुछ भी स्टेप कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, कोसिकेंट इनवर्स एक्स को मैं साइन में बनाऊंगा तो साइन इनवर्स 1/x बन जाएगा, तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, कोट टाइम साइन इनवर्स 1/x मतलब उल्टा हो जाएगा 3/5 प्लस टेन इनवर्स 2/3। अब साइन इनवर्स को टेन इनवर्स बनाता हूँ तो मैंने आपको सिखा रखा है साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स बना सकते हो आप 1 - x² के इस टाइप से, इसको ही अगर टेन इनवर्स बनाना है तो एक्स बाई 1 - x² का रूट बन जाएगा, इसको ही अगर कोसिकेंट बनाना तो इसका उल्टा हो जाएगा, सिकेंट बनाना तो इसका उल्टा हो जाएगा, कोट बनाना तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, कोट टेन इनवर्स एक्स बाई 1 - x² सारे का रूट प्लस में टेन इनवर्स 2/3, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, कोट टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दिया, टेन इनवर्स ए प्लस बी, ठीक है। अब ये जो ये वाला था x बाई 1 - x², इसको मैंने क्या बनाना है, क्योंकि ये तो फॉर्मूले के अंदर था ना, हमें एक्चुअल में क्या मिला, यहाँ पे टेन इनवर्स x मेरा क्या है, x मेरा है 3/5 और 1 - x² मतलब 9/25 हो गया, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। तो यहाँ पे मेरा टेन इनवर्स अगर हम देखें 3/5, 5 से 5 कट जाएगा 3/4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4, तो यहाँ से रह जाएगा 3/4 प्लस 2/3 1 - ab, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1/2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा कोट टेन इनवर्स 17/6। अब इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ, कोट टेन इनवर्स को कोट इनवर्स कर सकता हूँ, कोट इनवर्स 6/17, कोट से कोट कट गया, आंसर मेरा आया 6/17 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर है 82। इफ R1, R2, R3 आर एक्स रेडियाई एंड आर इन द रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC, R1 इज इक्वल टू आर प्लस R2 प्लस R3, देन द ट्रायंगल ABC क्या आएगा, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, मैंने आपको बताया वो R इज इक्वल टू क्या होता है, पहले तो जो इसके अंदर दिया हुआ है, देखिए R1, R2, R3 एक्स रेडियाई है, ठीक है, और R जो है इनर सर्कल की रेडियस है, ठीक है। तो R होता है मेरा डेल्टा अपॉन S, R1 होता है मेरा डेल्टा अपॉन S माइनस ए,
आर टू होता है मेरा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, ए बी सी मेरी साइड्स हैं, ठीक है। आर थ्री होता है मेरा डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, आर वन इज इक्वल टू क्या है, आर प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इस सारे को जो भी है पुट कर दो, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा अपॉन एस प्लस एस माइनस सी। इसको जो भी है सोल्व कर दो। एस मेरा क्या होता है, सेमी ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, सेमी पैरामीटर होता है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो भी है डेल्टा कॉमन आता है वो काट दो, जो भी है मतलब जो भी, जैसे वन माइनस एस माइनस ए आ गया, यहाँ पे आ रहा है मेरा, इसको कॉमन ले लोगे तो एस माइनस बी एस माइनस सी प्लस एस इंटू एस माइनस सी प्लस एस इंटू एस माइनस बी, अपोन में आ रहा है मेरा एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। मैंने दोनों साइड एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे होगा स्केयर। जो भी है सोल्व कर लेना, ये नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर जो भी पड़ा हुआ है वो तो सेम ही है, नीचे क्या है डेल्टा स्केयर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा डेल्टा होता है, हम डेल्टा क्या है मेरा मतलब एरिया, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरिया हम कैसे निकालते थे, एस इंटू एस माइनस ए, हीरो सूत्र होता था ना, एस माइनस बी एस माइनस सी सारे का रूट इस टाइप से, तो उसी को ही मैंने उसका स्केयर कर दिया, बस बोथ साइड रूट कट गया, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेना आप, ठीक है, जो भी आए, और सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा ये जो आ जाएगा मेरा, सो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मेरा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आसान सा है ये भी, कोई खास बात नहीं है इसमें। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा वन बाय टू है, देन वैल्यू ये वाली क्या आएगी, सिंपल सी बात है यार, कोई भी साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, थीटा सेम है तो थीटा कब सेम होता है, 45 डिग्री पे। तो अगर मैं पाई बाय फोर पुट करता हूँ, साइन पाई बाय फोर इंटू में कोस पाई बाय फोर, वन बाय रूट टू इंटू वन बाय रूट टू, वन बाय टू आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका थीटा की वैल्यू है पाई बाय फोर। अब इसके अंदर पुट कर दो, साइन पाई बाय फोर सारे की पावर सिक्स प्लस में कोस पाई बाय फोर सारे की पावर सिक्स, मतलब वन बाय रूट टू की पावर सिक्स प्लस वन बाय रूट टू की पावर सिक्स, तो टू टाइम हो गया ये, टू टाइम क्या होगा, वन बाय रूट टू की पावर सिक्स, तो वन बाय रूट टू की पावर सिक्स क्या आ गया मेरा, आ गया दो, दो दिन चार और आठ ही आ गया ना, एक बटे आठ आ गया, ठीक है ना, क्योंकि वन बाय टू है सिक्स, दो दून चार दूनी आठ, तो दो बटे आठ आ गया, तो एक बटे चार मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 83 हो गया, आगे देखते हैं 84। सिंपल सा है, अपना कॉम्प्लेक्स से आया हुआ है, ओमेगा इज क्यू रूट ऑफ यूनिटी है, देन थ्री प्लस ओमेगा प्लस थ्री ओमेगा स्केयर की पावर सिक्स क्या आएगा, ओमेगा क्यूब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यही होता है, और वन प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू जीरो होता है। इसका यूज करके जल्दी से इसको निकालिए पहले। यहाँ देखिए थ्री है, थ्री प्लस ओमेगा स्केयर है, इसको मैं कॉमन लूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मैंने लिया थ्री कॉमन, तो वन प्लस ओमेगा स्केयर रह गया और अंदर ओमेगा रह गया और पावर सारे की सिक्स रह गया। तो वन प्लस ओमेगा स्केयर को यहाँ से मैं क्या पुट कर सकता हूँ, माइनस ओमेगा, तो यहाँ से माइनस थ्री ओमेगा प्लस में ओमेगा सारे की पावर सिक्स आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस टू ओमेगा की पावर सिक्स। तो पावर सिक्स है, क्यूब में देखिए वन है, तो पावर सिक्स में भी क्या होगा, वन होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्यूब में वन है, इसका मतलब ये होता है कि ओमेगा की पावर थ्री एन हमेशा वन रहेगी, थ्री सिक्स नाइन इस टाइप से, तो यहाँ ये तो वन ही आ गई, और टू की पावर सिक्स जो है ना इवन है, पॉजिटिव हो गया, तो 64 आ गया मेरा आंसर, टू की पावर सिक्स क्या होता है 64, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 85। इफ ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, इतना इस सर्कल का डायमीटर है ए बी, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर 10, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या आएगा, पहले तो सिंपल है, जैसे ये लिख लो आप, लिखने की जरूरत नहीं है, डायमीटर की बात की जा रही है, डायमीटर से पहले आपको पता है रेडियस निकालनी आनी चाहिए, रेडियस निकालने के लिए इसको कंपेयर करना पड़ेगा जनरल इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से मेरे क्या निकल आएंगे, ए इज इक्वल टू वन है, बी इज इक्वल टू वन है, सी इज इक्वल टू
माइनस थ्री है, जी इज इक्वल टू वन है, एफ इज इक्वल टू टू है। तो यहाँ पे मेरा सेंटर क्या होते हैं, मेरी माइनस जी और माइनस एफ, ठीक है, माइनस जी और माइनस एफ, मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है। और रेडियस मेरी क्या होती है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी सारे का रूट। तो रेडियस यहाँ से क्या आ गया, जी स्क्वायर वन एफ स्क्वायर फोर माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा रेडियस आ गई मेरी थ्री, रेडियस थ्री आ गई। तो यहाँ पे मैं सर्कल ले लेता हूँ एक, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डायमीटर लेता हूँ मैं, क्योंकि डायमीटर की ही बात चल रही है, डायमीटर ले लिया मैंने बीच में, ठीक है। और यहाँ पे मेरे जो सेंटर के मेरे पॉइंट थे वो मेरे क्या आए, माइनस जी माइनस एफ, मतलब माइनस वन और माइनस टू, ठीक है, माइनस वन और माइनस टू। एक पॉइंट मुझे गिवन है जीरो और ए, ए पॉइंट मुझे गिवन है, बी मुझे फाइंड आउट करना है एक्स और वाई, यही है ना, बी मुझे फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, जब भी रेडियस मेरी है, रेडियस मेरी कितनी है, तीन है, बट रेडियस निकालने की भी ज़्यादा जरूरत भी नहीं थी, कोई बात नहीं, निकाल दी तो अच्छी बात है, ये निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें जो पूछा गया हमें इससे ही निकल जाएगा। ये मिड पॉइंट होता है रेडियस, तो एक्स प्लस ए बाय टू निकालेंगे तो माइनस वन आना चाहिए, मिड पॉइंट होता है, तो एक्स प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू माइनस वन, और दूसरी साइड जीरो प्लस वाई अपॉन में टू इज इक्वल टू माइनस टू। तो एक्स की वैल्यू माइनस टू प्लस वन माइनस थ्री आ गई, और यहाँ से वाई की वैल्यू माइनस फोर, तो मेरे पॉइंट क्या हो गए, माइनस थ्री और माइनस फोर, एक्स और वाई, ठीक है, माइनस थ्री माइनस फोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 86, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमें निकालनी है, हुज लेटेस्ट रेक्टम इज वन हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, ठीक है। ये मैंने आपको कोनिक सेक्शन के अंदर कराया कि इसेंट्रिसिटी इलिप्स की हम कैसे निकालते हैं, उसके क्या क्या फॉर्मूले हैं, इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला लेटेस्ट रेक्टम के फॉर्मूले क्या हैं, और ये जो कंडीशन दी हुई है उसके बेस पर हम कैसे निकालेंगे। देखिए पहले तो मैं क्या लेता हूँ, इस टाइप से मैंने कोई इलिप्स ले ली, ठीक है, इलिप्स ले ली। तो यहाँ पे ये तो मैंने बस दिखाने के लिए आपको बताया कि इलिप्स, तो लेटेस्ट रेक्टम का जो फॉर्मूला होता है इलिप्स का, टू बी स्क्वायर बाय ए होता है, ये मेरी मेजर एक्सिस होती है ए, और ये मेरी टू ए, ये मेरी टू बी होती है पूरी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरी माइनर एक्सिस होती है। अब उसने क्या बोला हुआ है कि लेटेस्ट रेक्टम क्या है, हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का हाफ है, मतलब 2b स्क्वायर बाय a किसके इक्वल है, हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, मतलब 2b, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1b से 1b कैंसिल, तो 2b इज इक्वल टू a आ जाएगा मेरा, ठीक है, 2b इज इक्वल टू a। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ से b बाय a मैं वैल्यू निकाल लूँगा तो 1 बाय 2 आ जाएगी, 1 बाय 2 इसमें पुट करूँगा तो 1 बाय 4, तो यहाँ पे मेरी आ गई रूट 3 बाय 2 मेरा आंसर आ गया, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी ही है, ठीक है, नहीं एक सेकंड, 4 माइनस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा मेरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कीजिए 87, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, इतना सिंपल सा है, एंगल निकालना है, केवीएस के अंदर भी एनवीएस के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, सिंपल हम कैसे निकालते हैं एंगल। तो पहले तो इसको कंपेयर किससे हम करेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस में बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको जब मैं इससे कंपेयर करता हूँ, ये वाली इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया मैंने, प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू मेरी सिक्स आ गई, बी की वैल्यू मेरी माइनस वन आ गई, एच की वैल्यू मेरी वन बाई टू आ गई। तो टेन थीटा होता है मेरा इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एंगल निकालने का, टू एच स्क्वायर माइनस ए बी सारे का रूट अपॉन में ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए, अगर ए प्लस बी जीरो आ जाता है तो डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल आ जाएगा, बट ए और बी जीरो नहीं आ रहा, और एच स्क्वायर माइनस ए बी ऊपर वाला जीरो आ जाता है तो जीरो डिग्री एंगल हो जाता है, ये भी चीज़ नहीं आ रही, तो पुट ही करना पड़ेगा, ठीक है। पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, टू वन बाय फोर प्लस सिक्स अपॉन में फाइव, ठीक है ना, एच स्क्वायर आ जाएगा जो है ना मेरा वन बाय फोर, और यहाँ पे ए बी की वैल्यू मेरी माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ए प्लस बी अपॉन में फाइव आ जाएगा।
अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 4 6 24 25, 5/2 गुणा 1/5, या 5 से 5, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। तो 10 θ = 1 कब होता है, जब थीटा होता है मेरा π/4, मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब, सॉरी 90 डिग्री पे नहीं, 5/4 पे होता है, 5/4 क्या है मेरा 45 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये भी क्या है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कोनिक L/R, इन द कोनिक L/R इज इक्वल टू 1+E cos θ, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कोड क्या आएगा। तो ये डायरेक्ट ही एक ना मतलब थ्योरम है, उस पर प्रूफ तो अभी मैं नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ द सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कोड जो है वो क्या होती है, 2/L होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। देखिए ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं कोई ट्रायंगल के मिड पॉइंट के दिए गए हैं, उसके सेंट्रोइड हमें फाइंड आउट करना है। मैंने एक ट्रायंगल बनाई, ठीक है, अब इसके वो क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट जो है ना, इसके मिड पॉइंट मैंने लगा लिए, इसका मिड पॉइंट है 5 2, ठीक है, इसका मिड पॉइंट 2 2 ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने 3 3, कोई भी आप ले सकते हो। तो मिड पॉइंट अगर ले लिया मैंने, ए बी और सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ मैं वर्टिसेस के, कैसे निकाल सकता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट निकालने का मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल सा फंडा क्या होता है। ए निकालना है ना, तो इन दोनों को 5 और 3 क्या हो गया, 8, 8 में से 2 गया 6, तो 6 आएगा इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब अगला मैं बता रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ो, 2 और 3 5, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गए 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट जब निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ो, 3 और 2 5, 5 में से 5 गया 0 आ जाएगा, और 3 और 2 5, 5 में से 2 गया 3, 0 और 3 आ गए, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ो, 5 और 2 7, 7 में से 3 गया 4, 4 आ जाएगा, 2 और 2 4, 4 में से 3 गया 1, 4 और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट आ गया, अब सेंट्रोइड निकालने में क्या दिक्कत है, सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड तो क्या है, इन तीनों के कोऑर्डिनेट को एडिशन कर दो, 6+4+0/3, और मतलब x1 x2 x3, y1 y2 y3, मतलब 3+1+3/2, ठीक है, ये वाला आ गया 3+1+3, इस टाइप से ये वाला, तो अपॉन में आ जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा, 4 और 10/3 आ जाएगा, और 7/3, 10/3 और 7/3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 90 आपके लिए, क्या बोल रहा है, इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज 7, द लास्ट टर्म इज 4 4 8, एंड द सम इज 8 8 9, द कॉमन रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या आएगा। APGPHP हमने पढ़ा हुआ है सीक्वेंस सीरीज के अंदर, सिंपल है। सबसे पहले तो देखो फर्स्ट टर्म दी हुई है, A1 दिया हुआ है 7, ठीक है, लास्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म क्या थी, AR^(n-1) 4 4 8 दी हुई है। सम जो है यहाँ से R^(n-1) देखूँ, A को 7 पुट करूँगा, वहाँ से जाकर डिवाइड होकर 64 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 64 क्या होता है, 2^6, अगर मैं 2^n-1 लगा दूँ, इसका मतलब यहाँ पे वो सेम हो जाएगा, मतलब R जो है, सॉरी यहाँ पे R^(n-1) है, तो यहाँ पे मेरा R = 2 हो जाएगा, और n-1 = 6 हो जाएगा, मतलब n = क्या हो जाएगा, 7। अब जो है मैंने अंदाजे से ये चीज़ लिया, ठीक है, ये पुट करके देखता हूँ, सेटिस्फाई अगर हो गया तो इसका मतलब मेरा आंसर सही हो जाएगा। अब मेरे पास जो है ना SN निकालने का, मतलब सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A^(r^n-1) अपॉन में R-1, R में मान के चल रहा हूँ, मतलब जो है ना 1 से बड़ा है, R 1 से बड़ा है, तभी मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया, अदरवाइज 1-R वाला लेता। यहाँ भी देखिए R = 2 में लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ मैंने जब पुट किया, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 8 9, ठीक है ना, 8 8 9, यहाँ पे मेरा A मेरा 7 है, R की पावर n
आर की पावर एन माइनस वन अपोन में आर माइनस वन, सेवन वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आर की पावर आर जो है मेरा यहाँ से यही मैं लेता हूँ आर टू लेता हूँ, टू की पावर एन मतलब सेवन माइनस वन अपोन में टू माइनस वन इजक्ल सेवन वहाँ से डिवाइड होगा, सात एकम सात अठारह और सात दूनी चौदह चार उनचास सात सौ तो उनचास। तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, टू की पावर सेवन एक सौ अट्ठाईस माइनस एक एक सौ सत्ताईस ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों ही मेरे सही हैं। उसने पूछा क्या था रेशो, कॉमन रेशो आर पूछा था, आर की वैल्यू पूछी थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आर मेरा आ गया टू। ठीक है समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 जल्दी से पहले आप कीजिए। द वैल्यू जीरो से पाई बाय टू है साइन एक्स डी एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इतनी देर में तो आंसर आना चाहिए था, जो मैंने आपको ये करवाया भी हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इसके आंसर आते हैं। ये देखिए इसमें क्या था हमारा, मैंने आपको एक चीज़ कराई हुई थी कि एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स ठीक है प्लस में उसका फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए और डी एक्स आ जाए और लिमिट जो है ए से बी हो, और मेरी ए प्लस बी कंडीशन ये है कि वो पाई बाय टू होनी चाहिए, तो मेरा आंसर डायरेक्ट हो जाता था बी माइनस ए अपॉन टू। ठीक है अब इसके अंदर देखिए जीरो से पाई बाय टू है लिमिट, तो जीरो प्लस पाई बाय टू आ रही है, साइन एक्स है ठीक है नीचे भी साइन एक्स है और उसका डेरिवेटिव कोस एक्स है, तो डायरेक्ट इसका आंसर जो है मेरा क्या हो जाएगा बी माइनस ए मतलब पाई बाय टू माइनस जीरो अपॉन में टू, मेरा डायरेक्ट आंसर पाई बाय फोर, इसलिए मैं बोल रहा था कि इसका डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई का क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू वाई, तो इसका हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ना हम करेंगे ऑप्शन से, ठीक है डायरेक्ट ऑप्शन हम जो है ना देखते हैं बी, फर्स्ट ऑप्शन आप देखोगे जो है ना सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सेकंड ऑप्शन मैं देखता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मैंने कैसे अनुमान लगाया, यहाँ देखिए सभी प्लस प्लस में है ठीक है, ये प्लस में ये प्लस में, यहाँ पे माइनस में आ रहा था इसलिए जो है ना मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो बी ऑप्शन से डायरेक्ट मैं लेके चल दूँगा, उल्टा लेके चलता हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस में सी वाई, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में सी इंटू डी वाई बाई में डी एक्स, तो डी वाई बाई में डी एक्स जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा थ्री वाई स्क्वायर प्लस में सी इज इक्वल टू वन, बट यहाँ देखिए बिल्कुल ये चीज़ तो बन रही है बट वाई आ रहा है, यहाँ पे वन आ रहा है, तो बोथ साइड में वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, तो डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा थ्री वाई क्यूब प्लस में सी वाई इज इक्वल टू वाई, अब यहाँ पे ये चीज़ तो बन गई वाई, अब यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स भी है, यहाँ पे टू वाई क्यूब है, यहाँ पे थ्री वाई क्यूब है, एक वाई क्यूब एक्स्ट्रा है और यहाँ पे एक सी वाई भी एक्स्ट्रा है, मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा टू वाई क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस सी वाई इज इक्वल टू वाई, अब यहाँ देखिए ध्यान से वाई क्यूब प्लस सी वाई को मैंने क्या स्टार्टिंग से लिया हुआ है, वाई क्यूब प्लस सी वाई को एक्स लिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा डी वाई बाई बाई डी एक्स प्लस में टू वाई क्यूब प्लस में एक्स इज इक्वल टू वाई, यही मेरी इक्वेशन देखो आ गई ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप उल्टी अप्रोच भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी क्वेश्चन पे जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, चाहे तो उसको सोल्व कर लो चाहे ऐसे सोल्व कर लो, वो कैसे भी आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है, तो पहले आप देखिए कैसे हम करेंगे फिर मैं आपको करवाता हूँ। चलिए ठीक है इसको हम देखिए कैसे सोल्व करते हैं, पहले इसको ना थोड़ा इधर उधर ले जाओ, डी एक्स डी वाई को अलग अलग कर दो, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा वन प्लस थ्री एक्स डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस थ्री वाई डी एक्स, इसको ऊपर नीचे लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा मेरा डी वन बाई में वन माइनस थ्री वाई डी वाई और यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस थ्री एक्स डी एक्स, बहुत सारे इंटीग्रेशन हम करते थे इंटीग्रेशन कर दो, अब जो है इसको सोल्व करने के लिए नीचे जो है वन बाई एक्स होता था तो लोग एक्स अंतर आता था, बट नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होता था एक्स का वन, यहाँ पे है इसका डेरिवेटिव माइनस थ्री, तो ऊपर माइनस थ्री नहीं पड़ा हुआ तो मैं अपनी तरफ से लगा देता हूँ
यहाँ भी माइनस थ्री आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का थ्री आएगा तो वन बाय थ्री, थ्री मैं अपनी तरफ से लगा देता हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से लगा लेते हैं थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, माइनस वन बाय थ्री लॉग वन माइनस थ्री वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, वन बाय थ्री लॉग वन प्लस थ्री एक्स, प्लस में आ गया सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पावर माइन लॉग के बाहर कुछ भी होता है ऊपर पावर में चला जाता है, ये भी ऊपर पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा लॉग, और सी को मैं लॉग सी भी लिख सकता हूँ क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, तो वन माइनस थ्री वाई सारे की पावर माइनस वन बाय थ्री, और यहाँ पे हो जाएगी लॉग वन प्लस थ्री एक्स सारे की पावर वन बाय थ्री इंटू में सी ले लिया। अब यहाँ पे लॉग लॉग बोथ साइड जो है कैंसिल हो गए, यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ गई, वन बाय में वन माइनस थ्री वाई सारे की पावर वन बाय थ्री, ये आ गया वन प्लस थ्री एक्स सारे की पावर वन बाय थ्री इंटू सी, तो ये पावर मैं क्यूब कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन बाय वन माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन प्लस थ्री एक्स इंटू में सी, सी की पावर क्यूब जो है मैं सी ही ले रहा हूँ, चाहे सी वन ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू क्या उसने बोली हुई है, वाई वन इज इक्वल टू जीरो है, मतलब वाई की वैल्यू जीरो है एक्स की वैल्यू जब हम वन पुट करते हैं, तो वाई की वैल्यू जीरो यहाँ पे तो वन ही होगी, एक्स की वैल्यू वन पुट करते हैं यहाँ पे होगी फोर इंटू सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी की वैल्यू मेरी आ गई वन बाय फोर, सी की वैल्यू मेरी आ गई वन बाय फोर। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट करता हूँ सी की वैल्यू, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर, तो वन बाय वन माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन प्लस थ्री एक्स इंटू में वन बाय फोर, फोर को मैं इधर ले जाऊंगा, फोर इज इक्वल टू वन प्लस, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस नाइन एक्स वाई, ठीक है ना, समझ रहे हो। इसको फिर से मैं वन को इधर ले जाऊंगा तो थ्री इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, थ्री कॉमन ले लूंगा एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आया, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, एक्स माइनस वाई माइनस सॉरी थ्री एक्स वाई आएगा क्योंकि नाइन था यहाँ पे, नाइन था यहाँ पे थ्री एक्स वाई आएगा, थ्री एक्स वाई। छोटी मोटी गलती आप खुद भी देख लिया करो, कई बार हो जाता है पढ़ाते वक्त ध्यान नहीं रहता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हो जो है ना, आप कीजिए, फिर हम करते हैं इसको, कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोस केयर एक्स अपन वन प्लस साइंस केयर एक्स है, देन द वैल्यू ऑफ क्या आएगा। देखिए सिंपल सी बात है कि एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स भी दिया हुआ है, एफ एफ भी दिया हुआ है, एफ के अंदर तो डायरेक्ट पाई बाय फोर आप पुट कर सकते हो, बट डैश के अंदर कैसे करोगे, पहले इसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो एफ डैश एक्स पहले निकाल रहा हूँ, यू अपॉन वी से निकालेंगे तो वी का स्केयर होता है नीचे, वी का स्केयर होता है वी एज इट इज वन प्लस साइन स्केयर एक्स, यू का डेरिवेटिव, यू का डेरिवेटिव माइनस टू कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स का टू कोस एक्स होएगा, फिर कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, माइनस टाइम माइनस क्या होता है फिर कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज, मैं यही लिख रहा हूँ, ऑप्शन आपके थोड़े छिप जाएंगे, इसमें देख लेना ऑप्शन, ठीक है, और नीचे वाले का हो जाएगा तो टू साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, इसको आप सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद एफ डैश एक्स जो है मेरा वो क्या आएगा, माइनस टू साइन टू एक्स अपॉन में वन प्लस साइन स्केयर एक्स सारे का स्केयर। अब तो क्या है, पाई बाय फोर ही पुट करना है, तो एफ डैश पाई बाय फोर में पुट कर ही लेता हूँ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मेरी माइनस नाइन बाई एट आ जाएगी, एट बाई नाइन आ जाएगी, और एफ पाई बाय फोर जब मैं पुट करूँगा तो वैल्यू मेरी आ जाएगी वन बाई थ्री, क्योंकि यही पूछा हुआ है। अब जो है मुझे क्या निकालना है, इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब एफ पाई बाय फोर में से मुझे माइनस करना है एफ डैश थ्री टाइम एफ डैश पाई बाय फोर, तो मेरा आंसर क्या आ गया, वन बाय थ्री माइनस माइनस प्लस हो गया, एट बाई नाइन इंटू थ्री, तीन तीन नौ हो गया, आठ और एक नौ बटे तीन आ गया, मेरा आंसर आ गया थ्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95 के ऊपर। देखिए वेक्टर से क्वेश्चन लिया गया, ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर है सच दैट बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी इक्वल टू टू ए बी सी, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी क्या आएगा, पहले आप ट्राई कीजिए फिर हम करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो क्या है, ए बी सी नॉन कोप्लेनर दिए हुए हैं, ठीक है, नॉन कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में नहीं है, तो ए बी सी जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये है।
उसके बाद मैं आपको दो तीन फॉर्मूले याद करवाना चाहता हूँ जो हमने वेक्टर के अंदर पढ़े, वो क्या होते हैं कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है। इसको मैं हम क्या लिखते हैं, टू ए बी सी। उसके बाद हमने पढ़ा था ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, इसको जीरो जीरो आता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये होता था मेरा ए बी सी का स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा एक हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी हम क्या लिखते थे, ए सी बी माइनस ए बी सी। वेक्टर आप लगा लेना, मैं वेक्टर नहीं लगा रहा, ठीक है, ये आपको रिमाइंड कराने के लिए था। अब जो है अगर हम देखें इसके अंदर क्या है, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर हम देखें तो इसको मैं लिखूंगा ए बी सी सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसने क्या दिया हुआ है, टू टाइम ए बी सी, तो एक ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा एक, तो ए बी सी क्या आ गया मेरा, टू आ गया, सिंपल। तो ऑप्शन यही हमें फाइंड आउट करना था, तो आंसर क्या आ गया, टू। तो इतना देखिए आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अदरवाइज पेपर में आप बैठे रहते हैं, आप सोचते यार पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कैसे सोल्व करें, बस आपको वो फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, उसका यूज़ करना भी आना चाहिए। यूज़ करना तभी आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ मैं, टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ एप्लीकेशन के अंदर, चाहे आप खुद से तैयारी कर रहे हो फिर भी टेस्ट सीरीज जरूर आपने लगानी है, चाहे आप कोर्स मत लो, चाहे टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ। मोहन इज फादर ऑफ थ्री चिल्ड्रन, मोहन जो है तीन बच्चों का बाप है, ठीक है, विद एटलीस्ट वन बॉय, उसका कम से कम एक लड़का तो है ही, द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज़ टू बॉयज़ एंड वन गर्ल्स, दो बॉय और एक गर्ल की कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी। सिंपल सी बात है, तीन बच्चे हैं तो एक तो लड़का है ही, मतलब एक बॉय तो है ही, दो गर्ल हो सकती हैं, ठीक है, दो बॉय हो सकते हैं, एक गर्ल हो सकती, या तीनों ही बॉय हो सकते हैं, मतलब तीन, ये आ गई टोटल मेरी कंडीशन। अब जो है हमें सिलेक्ट क्या करना है, टू बॉयज़ एंड वन गर्ल्स, टू बॉयज़ एंड वन गर्ल्स वाली कंडीशन करनी है, तो डायरेक्ट क्या आ गई, वन बाय, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, तीन है, तो वन बाय थ्री ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर है 97। इफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन टर्म का सम दिया हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इतना, देन इट्स पीएथ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको कई तरीके से आप कर सकते हो, बट मेरे को जो आसान तरीका लगता है वो सिंपल सा है, मैंने आपको परमुटे इसमें सीक्वेंस सीरीज में करवाया था, सिंपल पहले आप लिख दो 5n स्क्वायर माइनस 3n। अब जो a1 होता है ना वो s1 के इक्वल होता है, तो 1 पुट कर दो, 5 माइनस 3 आ जाएगा मेरा 2, ठीक है। और जो a2 होता है ना वो मेरा होता है s2 माइनस s1, मतलब sn माइनस sn माइनस 1, ठीक है ना, जो भी है, मतलब जो भी हम ऐसे निकालते हैं तो sn माइनस sn माइनस 1 होता है। तो क्यों एस एन क्या है, सम होता है, उसका सम हमें ज्ञात है, तो दो पुट कर दिया, दो दूनी चार, चार पंजे 20 माइनस 6 माइनस का क्या आ जाएगा, वन पुट करेंगे, वन पुट करेंगे तो मैंने टू पहले से निकाला ही हुआ है, 14 में से दो गए 12, तो ये ए टू मेरा क्या आ गया 12, ए वन मेरा क्या आ गया 2 आ गया, तो ये एक सीरीज बनेगी। मैं अब डायरेक्ट जाऊंगा, पी एच टर्म मुझे निकालनी है, डायरेक्ट ऑप्शन में पुट करूंगा, फर्स्ट ऑप्शन में पी वन पुट करूंगा तो 18 आ रहा है, तो फर्स्ट ए ए वन टू आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही सेकंड में मैं वन पुट करूंगा, 8 10 माइनस 8 टू आ रहा है, बिल्कुल सही है। टू पुट करूंगा अब 10 दूना 20, 20 माइनस 8 12 आ रहा है, बिल्कुल सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, बाकी किसी में भी ऐसा नहीं आ रहा। तो मेरा तो यही फंडा है, जितना हो क्वेश्चन को शॉर्ट बनाओ, जितना हो सकता है ऑप्शन से पुट करो, आप आंसर निकालो और आप आगे जाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है इसमें। इफ ईच फोर्सेस एफ वन प्लस एफ टू एंड एफ वन माइनस एफ टू हैज मैग्नीट्यूड इतना दिया हुआ है, देन द एंगल बिटवीन एफ वन एंड एफ टू, पहले आप ट्राई कीजिए थोड़ा सा, फिर हम करते हैं इसको। देखिए क्या है, जैसे हम ये लेते हैं F1 F2 forces है, तो ये मेरी R होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इस टाइप से लेते हैं कि P square, Q square और R square होता है, सिंपल है, हाइपरन्यूज है, तो यहाँ पे देखिए ये होता है मेरा F1 plus
F2 4C, यहाँ पे कोई खास बात नहीं है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। अब हम करेंगे जो हमने करना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा होता है, ठीक है, 2PQ cos थीटा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, F1 प्लस F2, ठीक है, सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर, P का स्क्वायर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 cos थीटा। F1 से F1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वहाँ जाके जो जीरो बन जाएगा, कोस थीटा जीरो। कोस थीटा जीरो कब होता है, थीटा जब होता है मेरा 90 डिग्री पे। सो सिंपल, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। करते हम, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, हमें ये ज्ञात करना है। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया हुआ है, उससे हम देखेंगे। तो ये सीरीज जो है ये आप कर लेना, ये कन्वर्जेंट सीरीज बन रही है। मैं ये बताता हूँ कि ये कन्वर्जेंट नहीं बन रही है, डाइवर्जेंट बन रही है। तो ये कैसे बन रही है, ठीक है, सिंपल हम लेते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कोस 1/n को। तो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है, कोस 1/∞, ठीक है, कोस 1/∞ क्या बन रहा है, कोस जीरो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोस जीरो क्या होता है मेरा, कोस जीरो है, थीटा नहीं है, कोस जीरो होता है मेरा वन, मतलब जीरो नहीं आया तो ये एक डाइवर्जेंस चलेगी बाय nth टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, ठीक है। ये क्या होगा मेरा, इज डाइवर्जेंस बाय nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये मेरी सीरीज डाइवर्जेंस होगी। सिर्फ कन्वर्जेंट कौन सी है, पहली ए है, मतलब वन ओनली, ठीक है, बाकी इनकरेक्ट है सारे। चलिए नेक्स्ट करिए, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू अदर टू। दिस थ्योरम इज कॉल्ड, ये थ्योरम तो सिंपल है, सीधी है, ये हमारी थ्योरम जो बनती है वो है लामीज थ्योरम, ठीक है, इसकी डायरेक्ट स्टेटमेंट आई हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान सा, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक इसकी बताऊंगा, अब वो कैसे करना है। सम ऑफ मनी डबल्ड, कोई मनी है दोगुना हो जाती है कितने, 4 सालों में, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, इट विल, वो 8 गुना हो जाएगी एट द सेम रेट ऑफ द इंटरेस्ट, कितने में वो 8 गुना हो जाएगी, कितने सालों में। सिंपल सा है, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो, तो एक फॉर्मूला लगा दो, N2 = N1 सारे की पावर T2/T1, ठीक। अब आप ये बोलोगे ये क्या है, N1 क्या है, जितनी बार डबल हो रही है, N2 क्या है, वो टाइम की बात कर रहा है। तो N2 मेरा 8 टाइम होनी चाहिए, वो कह रहा है ना 8 टाइम होनी चाहिए, और वो है कितने टाइम, डबल है, डबल की वो बात कर रहा है, और टाइम मतलब 4 साल में, 4 साल में T1 क्या है मेरा, 4 साल, T2 मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 3 हो गया, यहाँ से 2 की पावर T2/4 हो गया, बेस सेम है, पावर जो है इक्वल हो जाएगी, तो 3 = T2/4, 4 उधर जाके मेरा क्या हो जाएगा, T2 = 12, 12 साल में डबल हो जाएगी वो राशि, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। और मैं साथ में इसका वो भी आपको बताता हूँ, अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है तब मैं कैसे करूँगा, तब मेरा फॉर्मूला लगता है T1/T2 = N1 - 1 N2 - 1। ये सारा मैंने आपको कमर्शियल मैथ के अंदर सारे शॉर्टकट्स कराए हुए हैं, उसमें जाके देख लेना एप्लीकेशन में, और उसमें आपको जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो वीडियो मिलेगा उसके अंदर मैंने सब कुछ करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन तो देखो, देखने की भी जरूरत नहीं है, क्या है, सिंपल, हमने काफ़ी बार जो है ना स्टैटिक्स के अंदर ये वाला पढ़ चुके हैं हम, कि 3 median, एक फॉर्मूला होता है, 3 median = 2 mean + 1 mode, ठीक है। यहाँ से देखो कौन सा सेट बैठ रहा है, मोड इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 median - 2 mean, इसको इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, mode = 3 median - 2 mean, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 103 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, इफ़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स 6.0 एंड द अर्थमेटिक मीन 6.5 देन
द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर क्या आएगा। चलिए ये क्वेश्चन जो है ना मैं आपके लिए दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर मुझे आपको बताना है, दो क्वेश्चनों का। द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द नंबर 2^253, 3^155, 100 एंड 4^200 इज क्या आएगा। ठीक है, कुछ देर का मैं टाइम दे रहा हूँ यहाँ भी, आप बता सकते हो लाइव चैट के अंदर भी, अदरवाइज आपको कमेंट के अंदर बताना है, नेक्स्ट सेशन के अंदर उनका नाम लिया जाएगा जो भी इसका आंसर बताएगा। चलिए चलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, जिन्होंने नहीं की, टेस्ट सीरीज लेनी हो या कंप्लीट कोर्स लेना हो, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा और डाउट भी आपके क्लियर किए जाएंगे, डाउट सेशन भी उसमें रहेगा।